है, कोई दिक्कत नहीं है, खुला भी रहेगा तो ठीक। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। समय से एक मिनट पहले हैं आज अपन, बट ठीक है, बिफोर द टाइम इज दैट इज ऑल्सो ओके। वी विल स्टार्ट अराउंड 6:01, बट ठीक है, टाइम से आ गए पहले तो आ गए, ठीक है। सो वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून क्योंकि इसके पहले एक सेशन लिया हुआ था, इसलिए गुड आफ्टरनून निकल गया मुझसे। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग लाइव है आपके पास वहां पर, वो कुछ कमेंट वगैरह करिए। आपके पास जो भी लोग लाइव है, आपके पास देखिए, आपके पास वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये पार्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, जो आपका 29 और 31 को पेपर है उसके लिए, ठीक है। और आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा, ठीक है। जियोटेक्निकल हमेशा से ही अच्छा सब्जेक्ट रहा है बाकी सभी एग्जाम्स के लिए। सो जो भी लोग लाइव है आपके पास वहां पर आइए, और उसके बाद सेशन को आपके पास वहां पर लेके चलेंगे। सर नितिन सर, ओके, सो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग नेहा, सिमरन, रोहित, आशीष। हेलो सर, डब्ल्यू आई डी के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं? डब्ल्यू आई डी सीए वाले पेपर की बात कर रहे हैं मुझे लगता है आशीष, और उसमें सारे सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। सो उसमें अपने पास नहीं कह सकते कि आपके पास क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, बट जो बड़े सब्जेक्ट है उनसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जो छोटे सब्जेक्ट है उनसे कम क्वेश्चन आएंगे, एज यूजुअल जैसा अपने पास चलता है, ठीक है। आशीष जय गुंजाल जी, ओके, वेरी गुड इवनिंग। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, आइए आपके पास फटाक से। और यहां पर अपने पास जियोटेक्निकल के PYQs हैं जो WCD के एग्जाम में पूछे गए हैं, सो डेफिनेटली आपके पास वहां पर नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी यहां पर ये पूछे जा सकते हैं। काम के हैं आपके पास में अराउंड 48 स्लाइड्स है, तो अराउंड 40 to 43 क्वेश्चन अपने पास प्रीवियस ईयर के हैं, एंड इट विल टेक अराउंड 30 to 35 मिनट्स, बढ़िया तरीके से लेके जाएंगे क्योंकि PWD JEE के लिए आपने ऑलरेडी यहां पर चीजों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो, सो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है WCD के लिए स्ट्रक्चर्स का, उसका भी एक सेशन लीजिए। स्ट्रक्चर का WCD के लिए, वो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर की बात आप वहां पर कर रहे हैं, डेफिनेटली उसके लिए एक सेशन लेके चले जाएंगे, ठीक है। ओके जय, ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास लाइज इन द रेंज ऑफ 7 to 17। 7 से कम होता है तो लो प्लास्टिक कहलाता है, 7 से 17 मीडियम प्लास्टिक कहलाता है, 17 से ऊपर हाई प्लास्टिक कहलाता है। तो यहां पर आपके पास राइट आंसर क्या होगा? आपके पास मीडियम प्लास्टिसिटी विल बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी सी, इज दैट क्लियर? राइट आंसर आपके पास यहां पर क्या होगा? सी आपके पास वहां पर राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोनेट? फ्लोनेट का कौन सा प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है? फ्लोलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में बोला है, दे आर स्मूथ कर्व, दे मीट एट राइट एंगल टू ईच अदर, दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो सी ऑप्शन आपके पास वहां पे रॉन्ग है। This one is not a प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लोनेट। स्मूथ कर्व होते हैं बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्वी स्ट्रेट भी हो सकते हैं, तो आपके पास ये यहां पर आपके पास में स्मूथ कर्व होते हैं, ये राइट है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट। सी ऑप्शन आपके पास वहां पर राइट नहीं है कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो यहां पर सी आपके पास में यहां पर गलत आंसर हो जाएगा, इस मतलब इसके लिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल मास? आपके पास में किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं आपके पास सीवी को निकालने के लिए? तो कैसाग्रांडे लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, बोथ मेथड आर द राइट आंसर। एक ने वहां पर, कैसाग्रांडे ने यहां पर जो एज्यूम किया था, उन्होंने आपके पास में T50 को कंसीडर किया था, और टेलर ने आपने T90 को कंसीडर किया था। राइट आंसर हमारे पास वहां पर सी है, सी विल बी द राइट आंसर, इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल व्हेन एक्टिविटी ऑफ सॉइल मास ग्रेटर देन 1.4? सो तीन रेंज है आपके पास वहां पे, लेस देन 0.75, 0.75 से लेके 1.25 और ग्रेटर देन 1.25। नाउ ग्रेटर देन यहां पर होता है नॉर्मल, यहां पर होता है आपके पास में इनएक्टिव, यहां पर होता है नॉर्मल एक्टिव, और यहां पर होता है एक्टिव, तो यहां पर आपके पास जो राइट आंसर होगा वो आपके पास राइट आंसर कौन सा होगा? सी विल बी द राइट आंसर। ओके नेहा, आशीष, सिमरन, जय, ओके एवरीवन। नाउ नेक्स्ट,
इन सॉइल मैकेनिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन मेड इन स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ का कौन सा एजम्पशन नहीं है? पार्टिकल्स आर स्फेरिकल इन नेचर, बिल्कुल राइट है. पार्टिकल्स आर इररेगुलर शेप एंड साइज, ये रॉन्ग हो जाएगा. मतलब इसके लिए राइट यही हो जाएगा बी. बाकी पार्टिकल फॉल इन लिक्विड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, ये राइट है. ऑल द पार्टिकल एंड सेम इक्विली, ये तीन आपके पास एजम्पशन बनाए थे, बी आपके पास नहीं बनाया था. तो यहां पर जो सिलेक्ट हम करेंगे वो राइट आंसर हमारे पास कौन सा करेंगे, बी आंसर हमारे पास सिलेक्ट करेंगे. ओके, आंसर देते जाइएगा मेरे दोस्तों, वहां पर आपका पता चलता रहेगा. मैंने बोला ना इट विल मैक्सिमम टेक 25 to 30 मिनट मैक्सिमम. ओके, और इन 25 to 30 मिनट में 42 के आसपास क्वेश्चन करके चले जाएंगे सबसे एफिशिएंट वे में जो भी हो सकता है वहां पर. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इफ द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल दिया है, वॉइड रेशियो पूछा है. नाउ E इज इक्वल टू होता है n/(n-1) n इज इक्वल टू 0.5, 1 - 0.5, 0.5 / 0.5 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल 1. सो आंसर विल बी 1. Is that clear? For normal sub formula है, n is equal to होता है आपके पास e upon 1 plus e, और एक और formula होता है 1 - n that is equal to 1 upon 1 plus e. इतने total मिला के इनके बीच में तीन relation आपके पास वहां पर देखने को मिलते हैं. नमस्कार रोहित जी, नमस्कार. ठीक है, आइए आपके पास वहां पर. A soil specimen, specimen has water content दिया है, wet unit weight दिया gamma d. Now gamma d के दो formula, gamma d is equal to होता है g gamma w upon 1 plus e. और गामा डी इज इक्वल टू होता है गामा बल्क अपॉन 1 + w. ये दिया है कंटेंट इसके हिसाब से, तो लगा दो इस वाले को. आपके पास ये दिया है 20.5 / 1 + 0.12. सो इट इज गोइंग टू बी 20.5 / 1.12. अब 11 से अगर आप तोड़ दो तो दो बार आपके पास जाएगा नहीं, आपके पास यहां पर 9 टाइम्स अगर आप भेजो तो आपके पास, अच्छा 2 टाइम्स नहीं जाएगा तो 1 टाइम जाएगा. सो 205 यहां पकड़ा अपन ने, 112 ये रखा, 1 टाइम किया तो अपने पास यहां पर क्या आ गया, ये आ गया 112, ये आ गया आपके पास कितना 3, ये आ गया आपके पास 9, इतना कैंसिल आउट कर दो तो आप सॉरी यहां पे आएगा 0. 9 टाइम्स अगर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 1, तो ये 9 टाइम्स भी नहीं जाएगा. 8 टाइम्स भेजो तो ये जाएगा 619 और ये 896 है, तो 18.30 राइट आंसर. अप्रोक्सीमेट के हिसाब से निकालना है, पूरा पूरा अपने को करना भी नहीं है. तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर, 18.30 विल बी द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ द अर्थ प्रेशर दैट एग्जिस्ट इन केस ऑफ डीप बेसमेंट वॉल. डीप बेसमेंट वॉल के केस में आपके पास जो अर्थ प्रेशर काम करता है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है. थ्योरी का क्वेश्चन है, डेटा का क्वेश्चन है. इज दैट क्लियर? ओके सिमरन, ओके नेहा, ओके रोहित. चलो आज ऑफ डॉक्स नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द फील्ड कंसोलिडेशन कर्व ऑन अ सेमी लॉग कर्व. अब देखो ये होता है सीसी, थिक्सोट्रॉपी का सीन यहां पर है ही नहीं, टफनेस इंडेक्स का सीन है ही नहीं, फ्लो इंडेक्स का सीन यहां पर है नहीं. तो अपने पास यहां पर टोटल मिला के एक स्केल में रखा ई और एक में रखा लॉग सिग्मा. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कर्व होता है किसका, सीसी का, कंप्रेशन इंडेक्स का आपके पास कर्व होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आपके पास में ऑनलाइन प्लस लाइव बैच 4999 और ऑफलाइन बैच आपके पास यहां पर 4×9. ठीक है, पुणे में स्टार्ट हो रहा है, 26 दिसंबर का डेट है. ओके एवरीवन, इसके अलावा फैकल्टी पूल आप जानते हैं, यहां पे ये है, यहां पर ये है, और ये अपने पास बैच की विशेषताएं जो कि मराठी में लिखी हुई है. वैसे तो मुझे हिंदी में पता है, इंग्लिश में पता है, बट थोड़ा मोटा मुझे पता चल जाता है, बट आप समझ जाएंगे कि आपको कहां पर क्या चीज चाहिए, क्या चीज वहां पर है. ओके, और यहां पर नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप बढ़िया तरीके से कॉल वगैरह करिए, जो भी आपको डाउट लगता है उसको वहां पर पूछिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी. चलो आ जाओ, द प्रॉपर्टी ऑफ द रिगेनिंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर डिस्टर्बेंस ऑफ द रिमोल्डेड सॉइल. रिगेन इन सियर स्ट्रेंथ, रिगेन इन स्ट्रेंथ आपके पास ये कहलाता है क्या, थिक्सोट्रॉपी आपके पास कहलाता है. और डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस किसमें होता है, वो सेंसिटिविटी में होता है. Now, आपके पास रिगेन इन सियर स्ट्रेंथ कहलाता है क्या, थिक्सोट्रॉपी. और आपके पास वहां पर इसके अलावा डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस क्या होता है, सेंसिटिविटी. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, इफ द वॉइड रेशियो दिया हुआ है आपके पास, यहां पर निकालने को क्या बोला है, 2× ऑफ पोरोसिटी. कंफ्यूज नहीं होना, 2× तो पहले सिंगल टाइम निकाल लो. एन इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन 1 + e. e इज व्हाट, 0.5, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 + 0.5. Now, 0.5 डिवाइड में आपके पास आता है 1.5, that is equal to होता है 1/3. So, n is equal to कितना हमको चाहिए, 2n. So, ये हो जाएगा आपके पास में, वो था 1/3, ये हो जाएगा 2/3. 2/3 आपके पास कितना हो जाएगा, 0.66 के आसपास आंसर आ जाएगा. B will be the right answer. Okay, युवराज, सिमरन, नेहा, okay everyone. चलो आ जाओ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड वेल ग्रेडेड सैंड. So, ग्रेवल के लिए होती है कम, सैंड के लिए ज्यादा, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 6.
So greater than 4, greater than 6. A will be the right answer. And for well-graded soil, CC lies between 1 and 3. Is that clear? Now next, which one of the following is the classification of the soil if the degree of saturation is 0%? Oh ho, 0% matlab pani hai nahi. Aur pani agar aapke paas hai nahi, to soil mass aapke paas kya hoga? Soil mass will be dry. The right answer will be dry. Is that clear? Chalo. Okay, Yuvraj, okay, Rohit. Aja. Next, a soil specimen has a water content 25%. Wet unit weight 21.101, I think. Okay. So aapke paas nahi, wo kiloliter likhna raha hoga. So 21 डिवाइड में 1.25 1 प्लस W होता था ना, अपन ने ये किया हुआ. देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, ये वाला हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है. सो आपके पास यहां से देखो, यहां से हमारे पास में आएगा कितना, खड़ाइए इसको 0 0, आप कैंसिल आउट करिए तो आपके पास 125, 2 टाइम्स करेंगे तो जाएगा नहीं, 1 टाइम ही जाएगा. सो यहां पर 125, ये हो गया 5, ये हो गया आपके पास वहां पर 8, और ये अपने पास आएगा नहीं 850. तो आपके पास यहां पर 1 तो ठीक था, 111 तो सब में है. आप 6 टाइम करेंगे, 7 टाइम करेंगे, अगर 6 टाइम करेंगे तो दिस वन 6 टाइम करेंगे तब भी बहुत ज्यादा जा रहा है. नहीं, आपके पास यहां पर ये डेटा में कुछ गड़बड़ होगा मुझे लगता है, बट आंसर 16 के आसपास में आएगा क्योंकि उसके ऊपर तो सारी गलत हो रहा है. 20.10 करके देखें क्या, 20.10 करके अगर आप देखेंगे तब आपके पास वहां पर कितना हो जाएगा. देखो आपके पास में 21.10 कर दो, डिवाइड में अपने पास यहां पर किसको चले जाओ, 1.25 को चले जाओ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये 1 टाइम जाएगा, ये 125 हो जाएगा. तो ठीक है ना, पहले आपके पास 210 था, बाद में अपन ने 200 ये ले लिया, तो भी देखो आपके पास यहां पर ही कितना आ गया, 6 गया. आपके पास यहां पर ये कितना गया, 8 गया, और ये आपके पास कितना हुआ, 0 हो गया. तब भी आपके पास वहां पर कितना, 6 टाइम करो इसको, आपके पास 5 टाइम्स करो, 5 तो है भी नहीं ऑप्शन में, 6 करो, 30 3 बाद 15 5 1 6 9 5 6 नहीं आ रहा, कुछ डेटा गलत है आपके पास यहां पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट आपके पास वहां पर होगा. ठीक है, 16.8 नहीं निकल रहा है, देखो आपके पास निकाल के नहीं निकल रहा होगा, निकल रहा है नहीं निकलेगा आपके पास वहां पर. केएलसी में भी आपके पास सर, तो आपके पास वहां पर देखो मत चालू करिए, उसमें कैलकुलेटर स्टार्ट करना था, वो क्या स्टार्ट हो गया. देखो आपके पास सर पहले का ही सही था, अच्छा वो वाला, पर ठीक है मुझे लगता है नहीं 16.8 आएगा, कैसे नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आ रहा है क्या 16.8, चलो ठीक है आ रहा है तो फिर बढ़िया ही है. नाउ नेक्स्ट, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, अभी बताया था आपके पास यहां पर 1 n / 1 - n, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू n / 1 - n, राइट आंसर हो जाएगा ए, ये आपको आता है. अब ये इसमें कुछ नहीं, WCD के ही लास्ट ईयर 2019 के क्वेश्चन है मेरे दोस्तों. ठीक है चलो, ओके ओके. नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज टू इंडिकेट द कंसिस्टेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल. अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए अपन लिक्विडिटी इंडेक्स को निकालते हैं मेरे दोस्तों, आपके पास अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए हम लिक्विडिटी इंडेक्स को आपके पास वहां पर निकालते हैं. इज दैट क्लियर. चलो नाउ नेक्स्ट, इफ द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल दिया है देन द वॉल्यूम ऑफ 0.5 इंटू पोरोसिटी, तो पहले पोरोसिटी निकाल दो, ई 0.8 / 1 + 0.8, सो 0.8 डिवाइड में 1.8, और ये कह रहा है 0.5 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास वहां पर हो जाएगा, आपके पास में ये हो जाएगा 4, तो 0.4 डिवाइड में 1.8 कैंसिल कैंसिल, 4 डिवाइड में 18, 2 और 9, 2/9, और यहां पर करेंगे तो 0.2 समथिंग, 0.22 आंसर आ जाएगा. इज दैट क्लियर. राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 0.22 आपके पास वहां पे राइट आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, वर्सल भी द क्लासिफिकेशन रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू दिया है. अब डेटा का क्वेश्चन है, आप टेबल में देखेंगे 85 से ऊपर वेरी डेंस होता है, 35 से नीचे लेस डेंस होता है, तो यहां पर अपने पास यहां पर क्या आ जाएगा, मीडियम डेंस सैंड आपके पास यहां पर आ जाएगा, 50-70% आपके पास मीडियम सैंड का रेंज आपके पास वहां पर होगा. चलो नाउ नेक्स्ट, आपके पास पुणे में बैच स्टार्ट है, इसके अलावा ये WCD का बैच है आपके पास वहां पर 2 जनवरी से स्टार्ट है. ठीक है, आपके पास यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच 2 जनवरी से स्टार्ट है, देखिएगा आपके पास यहां पर. नाउ नेक्स्ट, स्पेसिमेन एज अ वॉटर कंटेंट 10%, वेट यूनिट वेट 20, ड्राई यूनिट वेट सेम. थर्ड क्वेश्चन WCD में ही देखो, एक ही चीज पर 3 क्वेश्चन, आपके पास यहां पर कितना बोला 20 डिवाइड में यहां पर क्या जाएगा 1 + 0.1, सो 20 डिवाइड में 1.1 कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा आपके पास में 1 टाइम, तो यहां पर आएगा आपके पास में 9,
तो आपके पास आएगा 0, तो ये आएगा 8, तो आपके पास आएगा 88, तो 18.18 आपके पास वहां पे राइट आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सेम फॉर्मूला तीसरा क्वेश्चन, आपका आंसर कितना होगा 18.18. ओके युवराज, रोहित, सिमरन, ओके चलो ना नेक्स्ट. द ग्रुप इंडेक्स ऑफ द वैल्यू क्वालिटी ऑफ द सॉइल कैसे बताता है? ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू 0 बताता है गुड सबग्रेड, और ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू 20 बताता है पुअर सबग्रेड. मतलब ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा तो क्वालिटी खराब, तो प्रोपोर्शनल कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास वहां पर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. इनने लैंग्वेज थोड़ा ना गड़बड़ कर दी, इनने लिखना चाहिए था इनवर्सली और इनने लिख दिया इनडायरेक्टली. इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट आपके पास यहां पर द ग्रुप इंडेक्स हो गया. टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टफनेस इंडेक्स एसएससी जेई 2018-19 में काफी पूछा गया है. सो टफनेस इंडेक्स की वैल्यू आपके पास यहां पर क्या होती है? आईपी डिवाइड में आईएफ. आईपी मतलब क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स. प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड में आईएफ क्या होता है? फ्लो इंडेक्स. तो राइट आंसर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर. इज दैट क्लियर? बी विल बी द राइट आंसर. ओके नाउ सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. द ग्रेटर द विस्कोसिटी द ग्रेटर इज द परमिबिलिटी. द ग्रेटर द यूनिट वेट द ग्रेटर इज द परमिबिलिटी. आपके पास फॉर्मूला होता है 1/KK इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू इक्यू अपॉन 1+D². नाउ नेक्स्ट का आपके पास जरूरी नहीं है, आपके पास यूनिट वेट से रिलेट करता है प्रोपोर्शनल. द ग्रेटर द यूनिट वेट द स्मॉलर इज द परमिबिलिटी गलत हो जाएगा. द ग्रेटर द यूनिट वेट द ग्रेटर इज द परमिबिलिटी राइट हो जाएगा. द ग्रेटर द विस्कोसिटी द ग्रेटर द परमिबिलिटी गलत हो जाएगा क्योंकि विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. कॉज्मिक कार्मन इक्वेशन. यूनिट वेट डज नॉट अफेक्ट परमिबिलिटी. बहुत ही बकवास ऑप्शन है. आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी बी. इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट. हाइड्रोलिक हेड अभी पढ़ा के गए थे तुमको, अभी 4 बजे वाले सेशन में पढ़ाए थे. क्या बोलता है हाइड्रोलिक हेड बता दो दैट विल प्रोड्यूस क्विकसेंड कंडीशन. क्विकसेंड प्रोड्यूस करना है मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? 1. फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो जाएगा तो आईसी इज इक्वल टू आई हो जाएगा. आईसी कितना है? G-1/1+E. आई क्या होता है? डेल एच बाई लेंथ. लेंथ को अपन ने वहां पे जेड से दिखाया था ना. जी कितना है? 2.67 माइनस 1 अपॉन ई कितना है? 0.67. डेल एच कितना है? डेल एच अपने को निकालने का है. थिकनेस कितना दिया? 1.5. 1/1 कैंसिल आउट हो जाएगा. 1.5 राइट आंसर हो जाएगा. अभी पढ़ाया था 4 बजे, याद है कि नहीं है? 4 बजे का आपके पास यहां पर पार्ट है. नाउ नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ टोटल कंप्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा अंडर एक्सेस इफेक्टिव प्रेशर. आपके पास वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में, अब देखो वो तो फिनोमेना पूछ रहा है, बट यहां पर ऐसे तो तुम प्राइमरी बोल लोगे, सेकेंडरी सब बोल लोगे, बट सॉइल को फॉलो करो. सैचुरेटेड क्ले में कौन सा फिनोमेना होता है? कॉम्पैक्शन ऑम्पैक्शन नहीं होता भाई, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है. तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? बी. अगर वो सॉइल मेंशन ना करता तब हमारे पास ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाता, बट उसने सैचुरेटेड क्ले वहां पर मेंशन किया, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी कंसोलिडेशन हमारे पास वहां पर राइट आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट. आपके पास वहां पर जिला परिषद मृदा और जल संधारण भर्ती मेरे दोस्तों टेक्निकल सब्जेक्ट IBPS TCS बेस पैटर्न के संपूर्ण मार्गदर्शक बुक है आपके पास वहां पर. ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपके पास वहां पर हैं. ठीक है, बेटर जानकारी के लिए इनके फ्री टोल फ्री नंबर पर कॉल करो. केवल प्राइमरी आंसर बिल्कुल राइट सिमरन युवराज. ओके नाउ नेक्स्ट. डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज कितना होता है? 0 से 1 अगर आप बिना परसेंटेज की बात करो, 0 से 100 अगर परसेंटेज में बात करो. राइट आंसर होगा डी. इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज 0 देन द सॉइल इज. ऐसा सॉइल मास बताओ जिसमें प्लास्टिसिटी होती ही है, तो फाइनर पार्टिकल में होती है, कोर्सर में नहीं होती. और इन सभी में सबसे बड़ा कोर्सर पार्टिकल कौन है? सैंड. कभी भी सैंड के खिलौने देखे हैं? नहीं. क्ले मिट्टी के खिलौने अपन ने बच्चों में बचपन में बनाए, गाड़ियां बना के चलाई है. आपके पास वहां पर गाड़ी बना देते, ट्रक बना लेते थे उसमें, मतलब टेम्पररी बना देते, ओरिजिनल वाला नहीं बनाते थे. बट सैंड से कभी बनाए हो? नहीं. तो आपके पास सैंड में ये प्लास्टिसिटी वगैरह आपके पास वहां पर नहीं होती. तो राइट आंसर आपके पास यहां पर क्या होगा? ए. Now, void ratio of the soil mass can never be greater than unity, less than 0. ये तो बहुत ही गलत है, ये भी बहुत गलत है. Can any value greater than 0? Right answer. आपके पास right answer C है. Take value between 0 to 1. No, 0 to 1 आपके पास porosity होता है, void ratio नहीं. Void ratio can be greater than 0 or up to infinite. Is that clear? Now next. In hydrometer analysis for a soil mass, correction के बारे में पूछा है. 3 correction होते हैं. CM positive, CT positive negative दोनों, CD नेगेटिव. आपके पास बोला है बोथ मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट. आपके पास करेक्शन एक्टिव गलत है.
मेनिस्कस करेक्शन नेगेटिव, दोनों नेगेटिव गलत है, मेनिस्कस करेक्शन एडिटिव और आपके पास डिस्पर्सिंग नेगेटिव, ये बिल्कुल राइट है, सीएम पॉजिटिव सीडी नेगेटिव, इज दैट क्लियर? राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर अपने पास वहां पर राइट होगा, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, अ कट ऑफ डेप्थ 6 मीटर इज मेड इन अ कोइसिस सॉइल, सो डिपॉजिट, क्या पूछा गया है इसने, स्टेबिलिटी नंबर, स्टेबिलिटी नंबर होता है सी अपॉन गामा इंटू एच इंटू एफ। नाउ सी कोहेजन कितना है, कोहेजन है 40, कोहेजन है 40, गामा कितना है 20, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 2.4 और हाइट दिया है क्या, हाइट आपके पास 6 मीटर ये दिया है, टोटल कर दो कैंसिल आउट, यहां से कैंसिल आउट हो गया इतना हो गया, इसके अलावा कैंसिल आउट हो गया, दो से किया तो आपके पास ये 20 हो गया, आपके पास यहाँ पर दो से किया तो 10 हो गया और ये 12 हो गया, आपके पास यहाँ पर ये हो गया 5 और ये हो गया आपके पास में 6, तो ये हो गया आपके पास 5 डिवाइड में 36, तो अब यहाँ पर 36 5 36 72 आपके पास वहां पर 6 बार करें तो 7 8 10 बार कर दे, अरे 36 ये 5 50 तो 0.0, अब दो बार जाएगा नहीं एक बार जाएगा, तो आपके पास यहां पर 0.036/50 आपके पास यहां पर, रुको इसको कैलकुलेट करने दो, थोड़ा जल्दी होगा, आपके पास में 50 डिवाइड में 36 1.38 मुझे लगता है इनने ऑप्शन गलत टाइप कर दिए, अपना कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सी 40 ऊपर 2.4 नीचे, 6 नीचे, 20 आपके पास वहां पे नीचे, आपके पास यहां पर अगर करेंगे सो 40 अपॉन 20 इंटू 2.4 इंटू 6 ये चला जाएगा 2 टाइम्स, सो 2 डिवाइड में अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 14.4 आपके पास यहां से कितना हो जाएगा 0.1/7.2 इसको हटाओ 0, तो अल्टीमेटली तो बात बराबर ही हुई, हुई कि नहीं हुई, कितना आ रहा है आपके पास में ये 10/7.2 0.138 ही आ रहा है आंसर, यहां पर कुछ गड़बड़ है, 0.138 राइट आंसर आएगा, ठीक है ठीक है, 0.138 राइट आंसर होगा। चलो इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक सामने है, 3000+ MCQ और 6000 MCQ जो पहली थी वो अब हो गई है 10000+ MCQ, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह इसमें ऐड कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट, इफ डिस्चार्ज आपके पास वहां पर दिया हुआ है, ठीक है आ जाओ फटाक से इसमें आ जाओ, आपके पास डिस्चार्ज दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया, उसी पे वेलोसिटी पूछा है, नाउ आपके पास यहाँ पे डिस्चार्ज वेलोसिटी पूछा है, वी डिवाइड में वी एस दैट इज इक्वल टू होता है एन, अब एन उसने ना देखे आपको दिया हुआ है ई, तो एन इज इक्वल टू होता है ई अपॉन 1+E, रख दो फॉर्मूला, वी का वैल्यू कितना है 8 × 10⁻⁷ डिवाइड में आपके पास यहाँ पर वी एस दैट इज इक्वल टू ई कितना है 0.4 डिवाइड में क्या हो जाएगा 1.4 कर दो कैलकुलेट, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा वी एस इज इक्वल टू 1.4 × 8 × 10⁻⁷ डिवाइड में 0.4, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से आपके पास यहां पर 2 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 28, सो 28 आपके पास 14 × 28 × 10⁻⁷ इज दैट क्लियर, सो राइट आंसर कितना होगा 28 × 10⁻⁷, समझे ना, फॉर्मूला सिंपल है, वी डिवाइड में वी एस दैट इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू रख दिया ई अपॉन 1+E। नाउ नेक्स्ट, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन 0.2 से 0.002, बट ओरिजिनली ये होता है 0.1 से लेके 0.002, बट मैक्सिमम एग्जाम में ये लिखा मिलता है इसलिए मैं इसको राइट कर देता हूं 0.2 से 0.002, इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल वेट 35 ग्राम, आपके पास वॉइड रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सैंपल दिया है, इसमें ग्रेविटी दिया है, तो सीधी सी बात है गामा डी इज इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। नाउ गामा डी इज व्हाट, 35 ग्राम डिवाइड में 35 ml, ये हुआ वेट ड्राई सॉइल का डिवाइड में वॉल्यूम, जी का वैल्यू कितना है 2.7 और ग्राम पर ml में गामा डब्ल्यू होता है 1 1+E, कर दो कैलकुलेट, ये हो जाएगा 1+E दैट इज इक्वल टू 2.7 डिवाइड में 1, तो अल्टीमेटली ई इज इक्वल टू जाएगा 2.7 - 1 दैट इज इक्वल टू 1.7, ये क्या गलत ऑप्शन कर दिए हैं आपके पास, ऑप्शन टाइपिंग वहां पर गलत है, 35 ग्राम 35 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2.7 1 1+E वहां पर भेज दिया, ये कैंसिल आउट 2.7 बचा, 1.7 आपके पास राइट आंसर आएगा, ये आपके पास ऑप्शन मिस्टेक है यहां पर, ठीक है।
ऑप्शन आपके पास मिस्टेक है मेरे दोस्तों, यहां पर चीजें गड़बड़ है, देखिएगा आपके पास में ऑप्शंस वहां पर अलग है, क्योंकि हमने कहीं पे भी गलत अप्रोच नहीं थे। ड्राई सॉइल का वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, मिली ग्राम पर एमएल में अपन ने वहां पे निकाल दिया, और ग्राम पर एमएल में जाएंगे तो गामा डब्ल्यू भी बनी निकल के आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन सीट्स, फॉर्मूला सीट्स आपके पास वहां पर, आप इनको अच्छे तरीके से जानते हैं, बढ़िया तरीके से आपके पास वहां पर लीजिए और तैयारी करिए। अब पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर में हमारे पास दोनों चीज निकलती हैं, वाटर कंटेंट भी निकलता है। वाटर कंटेंट कैसे निकलता है आपके पास में, W2 - W1 - W3 - W2 - W1 - G - 1 - G - 1। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन ने निकाला है कैसे, दैट इज योर W2 - W1 - W3 - W4। फॉर्मूले कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आंसर आपके पास दोनों राइट है, वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों निकालते हैं। If the porosity of the soil sample is 0.25, then the value of void ratio n upon 1 minus n, तो आपके पास ये होगा 0.25 divide में 0.75, cancel out करिए तो ये आ जाएगा 1/3 होगा आपके पास 0.333, आपके पास right answer, is that clear? चलो आज फटाक से, अब फटाक चार पांच स्लाइड और बचिए, करिए फटाक से इसको। Fully saturated soil is said to be, fully saturated soil दो सिस्टम में होगी, एयर नहीं होगा, तो टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, द वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड द लिक्विड स्टेट। आपके पास ये होता है ग्राफ, और इस ग्राफ में ये होता है सॉलिड, ये होता है सेमी सॉलिड, ये होता है प्लास्टिक, ये होता है लिक्विड। प्लास्टिक और लिक्विड के बीच में जो आपके पास यहां पर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं आपके पास में लिक्विड लिमिट, आपके पास राइट आंसर होता है। ये प्लास्टिक लिमिट, ये सिंगल लिमिट आपके पास, इज दैट क्लियर? सो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, राइट आंसर आपके पास यहां पर होगा ए, इज दैट क्लियर? युवराज, श्रीदेवी, सिमरन, माधुरी, नेहा, ओके एवरीवन। नाउ नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए लिखा एल, और इनऑर्गेनिक सॉइल दो होती है, इनऑर्गेनिक क्ले भी होती है, इनऑर्गेनिक आपके पास वहां पर सिल्ट भी होती है। अब सी एल ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, बचा कौन सा एमएल, एमएल ऑप्शन में दिख रहा है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एमएल। सर दोनों ऑप्शन में होते तब क्या करते, बिल्कुल ना करते, आपके पास वहां पर दोनों राइट होते, अगर इनऑर्गेनिक सिल्ट लिखता तो एमएल होता, ठीक है ना, क्योंकि सी एल नहीं है तो एमएल आपके पास राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल 60%, एयर कंटेंट कितना होगा, अरे सिंपल सा एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1, सो ए सी इज इक्वल टू 1 माइनस एन, तो 100 में से 60 घटा दो 40 बचेगा 0.4, 1 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.4 विल बी द राइट आंसर। ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट, यही था आपके पास वहां पर। इसके अलावा सब्सक्राइब करिए आपके पास चैनल को इन्फिनिटी अकेडमी, आपके पास वहां पर पुराने जब भी आपको सब्जेक्ट वगैरह की वीडियो चाहिए हो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई चीज रहा नहीं है जो अभी तक लिया ना हो। इसके अलावा बैच का इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर साइड में है, इसके अलावा आपके पास वहां पर फॉलो करिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर सीईए एग्जामिनेशन। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपके पास वहां पर मेहनत करिए और बढ़िया तरीके से रिजल्ट लाके दीजिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, वी विल मीट टुमारो, यू विल मीट टुमारो विथ सम अनदर टॉपिक एंड विथ सम अनदर टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।